केंद्र की भाजपा ने सरकार पर आम जनता के जीवन को बेहाल करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को नागपुर में कांग्रेस के जनजागरण पदयात्रा निकाली। इस दौरान केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का विरोध किया गया। ऊर्जा मंत्री और पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल और गैस की दरों में बेतहाशा वृद्धि की है, बेरोजगारी की भी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई की खाई में ढकेलने का काम किया है। पदयात्रा का आयोजन उत्तर नागपुर परिसर में किया गया था, जहां पालक मंत्री नितिन राउत उपस्थिति में पदयात्रा निकाली गई। जनजागरण पदयात्रा में शामिल ऊर्जा मंत्री नितिन राउत एवं अन्य कार्यकर्ता थे। पदयात्रा दोपहर बेजनबाग स्थित जनसंपर्क कार्यालय से निकलकर 10 नंबर पुलिया, आवले बाबू चौक, कमाल चौक, इंदौरा होते हुए बेजनबाग में समाप्त हुई। इस दौरान महंगाई और बेरोजगारी पर सकारात्मक निर्णय लेकर जनता को राहत पहुंचाने की मांग की गई। इस अवसर पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस मूल्य वृद्धि का विरोध जताने वाले पोस्टर भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने इस महागाई या ठिकाणी देशामध्ये वाढवली आहे। कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महागाई वाढली आहे। दररोज आपण बघाल वृत्तपत्रामध्ये किंवा पेट्रोल पंपावर आपण जेव्हा पेट्रोल भरायला जातो, डिझेल भरायला जातो, तर कुठेतरी त्याचे भाव वाढलेले असतात। कधी घरचा सिलेंडर संपला, मोदी सरकार नेहमी म्हणायची की आमच्या देशातल्या महिलांना मी कधी चुली खुपू देणार नाही, कधी त्यांच्या घरामध्ये दूर निर्माण होणार नाही, कारण सर्व महिलांची त्या चुलींचा डोळ्या पेटल्यामुळे जो दूर निर्माण होतो त्यामुळे त्यांना अस्थमा होतो, खोकला होतो, त्यांचे डोळे जातात, ते जाऊ देणार नाही। सगळ्यांना आम्ही स्वस्त दराने गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करू, परंतु तो सुद्धा काही त्यांनी केला नाही। दररोज एखादा पिसे कापू तसा लोकांचा पिसा कापतो आणि त्याच्या पिशांचे पैसे काढतो। त्या पद्धतीनं मोदी सरकार दररोज या देशातल्या सामान्य जनांच्या पिशांचा पैसे काढतो आणि आपली सरकार या ठिकाणी चालवत आहे। त्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या विरुद्ध, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या विरुद्ध आपण या ठिकाणी हे आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे।